श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशो अध्यायः। दैवासुर संपदा विभाग योगः। श्री भगवान उवाच। पूर्ण निर्भय निर्मलता तत्व ज्ञान में ध्यान, शुद्ध दान इंद्रिय दमन, दैवी जन पहचान, इष्ट देव गुरु जन का पूजन, अग्निहोत्र उत्कृष्ट आचरण, वेद शास्त्र का करे अध्ययन, प्रभु के नाम गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालने की तरलता, ओ मन इंद्रिय परम सरलता, किसी भांति वाणी से मन से, ना दे कष्ट किसी को तन से, करे यथार्थ तथा प्रिय भाषण, रखे क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण, तजे कर्म मद कर्तापन का, रखे रास कस चंचल मन का, नहीं किसी की निंदा करना, सब में भाव दया का धरना, इंद्र विषय संग जुड़ने पर भी रहे विषय से निरासक्त ही, माने ना जो शास्त्र की तो हो मन में लाज, कोमलता हो हृदय में, करे न अनुचित काज, तेज क्षमा हो धर्म बुद्धि में, अंदर बाहर रहे शुद्धि में, नहीं किसी से वैर भाव हो, स्वपूज्यता का नहीं चाव हो, जो जन में ले दैव आचरण, पार्थ यही है उनके लक्षण, दंभ दर्प मद जड़ता जिनमें, पार्थ क्रोध निष्ठुरता जिनमें, जन में जो गुण ले असुरों से, लक्षण है ये उन पुरुषों के, मुक्ति हेतु है दैव संपदा, और बांधती असुर संपदा, अतः शोक मत कर अर्जुन, तू ले जन्मा है दैवी धन, तू जग में नर है दो स्वभाव के, एक मनुज दो दनुज भाव के, दैव प्रकृति के मनुज का, तुझसे कहा स्वभाव, अर्जुन अब विस्तार से सुन आसुरी बरता, असुर नियम बंधन न माने, और न मुक्ति बंधन जाने, शुद्ध न होता उनका तन मन, न सुआचरण न सत्य भाषण, कहते असुर प्रकृति चित के नर, असत निराश्रित जग बिन ईश्वर, नर नारी जग करते धारण, मात्र काम ही है जग कारण, यूं मति जिनकी नष्ट हो गई, असत ज्ञान से भ्रष्ट हो गई, जग अपकारी यही क्रूर नर, जगत नाश हित रहते तत्पर, दंभ मान मद युक्त मनुज वे, मन कामना असंभावी ले, मन कल्पित नियमों को धरते, विचरे भ्रष्ट आचरण करते, चिंताओं से ग्रस्त जो रहे मृत्यु पर्यंत,
विषय भोग को मानते वो हर सुख का अंत। आश पाश से बंधे मनुज गण काम क्रोध के हुए परायण, कर्म अनैतिक करें भोगहित धन पदार्थ को करें संग्रहित। ये सोचे अब तक पाया जो पालू उससे मन आया जो, मेरे पास प्राप्त जो धन है इससे ही होगा जो मन है। मैंने ही उस रिपु को मारा शेष मरेंगे मेरे द्वारा, ईश्वर कीर्ति भोगने वाला सिद्ध सुखी मैं ही बलवाला। धन बल धन जन बल ना मुझ में कम है, कौन दूसरा मेरे सम है। दान करूं मैं यज्ञ करूंगा भोगों में भी लिप्त रहूंगा। मोह जाल में फंस चुके धर्मन भ्रम अज्ञान, विषय भोग में रत असुर पाते नरक महान। श्रेष्ठ मानते स्वयं स्वयं को दंभी नर धन मद से युत हो, करें दिखावा यज्ञ हवन का मात्र प्रपंच अविधिक यजन का। अहंकार बल दंभ परायण कामी क्रोधी ये जन हर क्षण, वे निंदक हर तनवासी से करें द्वेष मुझ अविनाशी से। उन द्वेषी पापाचारी को नीच क्रूर अत्याचारी को, भव के बंधन में उलझाता असुर योनियों में जन्माता। पार्थ मूल वो मुझे न पाकर जन्मे असुर योनि में जाकर, अंत नीचतम गति को पाते घोर नरक में वो पड़ जाते। काम क्रोध अरु लोभ ये तीन नरक के द्वार, करे नाश ये आत्म का कर इनका परिहार। त्याग नरक के तीन द्वार ये करे कर्म नर स्व उद्धार के, नरक द्वार से मुक्त पुरुष वो पाता सदगित परम पुरुष को। शास्त्रोक्त जो मंत्र न गाते मनमानी विधियां अपनाते वो न सुसिद्धि परम गति पाते, सब सुख से वंचित रह जाते। कर्तव्य अकर्तव्य का है शास्त्र में प्रमाण, शास्त्र नियत हर कर्म कर अर्जुन ये सब जान। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपदा विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम
शांति 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 ही।